तो अभी भाई यहाँ पे आके पोपट हो गया। पता है ये जो म्यूजियम है ना, देखो सामने ही है, मैं अंकल से पूछने गया था, पीछे अंकल हैं एक। सोमवार को ये म्यूजियम बंद रहता है, बाकी सारा दिन खुलता है। हम तो सोमवार को आ गए। अरे यार, हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग सबको भाइयों। देखो भाई, गाड़ी बाहर लगा दिया है, अब पापा मजे में लेके चले जाएंगे भाई मंडी। तो लो जी भाई, दुकान भी लग गया, देख सकते हो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। देखो 10:50 हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा यार, आज डिले हो गया भाई कल की तरह। दा पैसा था सामान लेगा। चलो जी, सारा सामान भी ले आया भाई। सोनम सामान ला देने, पापा पता पका कल आवान है, गोभी के थी बना पकौड़ी, ठीक बना, गोभी भेज ले बहन, बेसन करने की बात ढेर, तो कल पकौड़ी आज बनवा देंगे बात पे, ठीक बना। बाकी सारा सामान आ गया बा, मसाला वसाला सब चीज। तो ये भाई जो कल तिलकुट लाया था ना, देखो कुछ कितना सारा तिलकुट लाया था, और देख रहे हो कितनी हो गया। के खाई ले बा, मार दे ना सब, तुम्हें खाई ले ना, झूठ मत बोलो, तो नहीं कैसे हो गई पता नहीं कैसे हो गए, उल्टा चोर को तवाल के डांटे। देख लो इतना महंगा मैं तिलकुट लाया था भाई, ये लड़की से छुपा के रखना पड़ेगा कुछ भी चीज़। तो अभी भाई मैं खा पी के रेडी हो चुका हूँ, गाजर तो नहीं खाया, गाजर भी आज लाया हूँ नाश्ता करने के लिए, तो बहन तो धोके दे नहीं रही, इतनी हरामी है ना पूछो मत। तिलकुट खा लिया भाई, बहन के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। अभी कल मैंने बताया था ना, एक भाई के साथ मैं जाने वाला था कहीं पर, तो वो थोड़ा बिजी थे, हाँ सुमा ठीक हाँ बोले थे हमारा, तो आज वो फ्री हो चुके हैं, तो चलते हैं भाई, आते हैं फटाक से घूम के कहीं पे। वो नीचे ही वेट कर रहे हैं, रुको देखता हूँ कहाँ पे वेट कर रहे हैं वो। कहाँ गए लगता है ये शटर के नीचे होंगे वो, पहले चलते हैं नीचे भाई, बेचारे वो कब से मैं वेट करा रहा हूँ। एक दो गाजर ले लेता हूँ भाई, बहन को बताओगे ना, पापा से कह देगी कि घूमने जा रहा है हरामी, ऐसे बोलती है, ले भाई छुप के जाना पड़ता है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, इसके नीचे बैठोगे, चलो 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 चलो, कैसे हो, बढ़िया बढ़िया। गाजर कहाँ खा के बताओ, तो मीठा लगा था, हमारा तो मीठा नहीं लगा, हम सिलकुट खिला नहीं, यहाँ गाजर मीठा नहीं रहता, कहाँ है नहीं रहता। तो भाई भाई हम निकल पड़े हैं, कहाँ में जाना है साहिल भाई, हमें जाना है कहाँ, अंबिकापुर म्यूजियम। ओ भाई जावा तो अलग ही साउंड करता है यार, रुको रुको, म्यूजियम कहाँ पे है, वाटर पार्क के सामने। अच्छा वहाँ पे गया था, वहीं पे की वहीं पर सामने ही है। अच्छा भाई चलते यार, मजा आने वाला है, मजा आएगा ना, मजा आएगा। रोड तो यार इतना गंदा है ना यहाँ का, पूछो मत। तो अभी भाई यहाँ पे आके पोपट हो गया। पता है ये जो म्यूजियम है ना, देखो सामने ही है, मैं अंकल से पूछने गया था, पीछे अंकल हैं एक। सोमवार को ये म्यूजियम बंद रहता है, बाकी सारा दिन खुलता है। हम जो सोमवार को आ गए। अरे यार कल आते तो हम लोग घूम लेते ना, घूम लेते हैं। तो आप ही तो बिजी थे। हाँ, मैं भी कल संडे था ना यार, इनको दुकान पे रहना था, कल बिजी था मैं। बाकी देखो भाई बाहर से म्यूजियम बढ़िया लग रहा है यार देखने में, अंदर में क्या क्या है वैसे, आप गए हो ना स्कूल के, उससे गया था, बहुत कुछ है अंदर, काफी कुछ है मतलब। तो बहुत बड़ा है कि कितना ही है जितना दिख रहा है, नहीं, जितना दिख रहा है। हाँ। अंदर में बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। ओहो हो, अब बाकी ये सब देखो भाई, मतलब क्या टेक्सचर है यार, और वो भी देखो भाई साहब, ओ भाई 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 मस्त लग रहा है यार देखने में। कल आएंगे ना भाई तो अंदर चल के देखेंगे, बाकी अब क्या मैं बताऊँ यार, अब चलते हैं घर पे फिर। बाकी गेट भी देख लो, गेट का भी टेक्सचर बढ़िया है यार, देख रहे हो। कहीं और चलना है कि खर्चा करोगे ना, मैं नहीं दूंगा, मेरे पे पैसा नहीं है, मैं खर्चा करूंगा। तो अभी भाई अपन देख लो जंगल से होते हुए जा रहे हैं भाई का स्कूल देखने ना, क्या नाम है आपके स्कूल का, मॉनफोर्ट। भाई साहब इतना तगड़ा स्कूल का नाम है, तो पढ़ाई भी तो गद्दर होता होगा ना, गजब। तो फिर आप नौकरी करते ना, आलू प्याज क्यों बेच रहे हो, कहो कि नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट है, हाँ, मेरे को भी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। भाई साहब देखना जरा कितना व्यू भयंकर है यार, ऊपर बादल देखो भाई साहब, आज मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, धूप लग ही नहीं रहा एकदम थोड़ा सा भी। ओ भाई देखना जरा, ओ भाई कितना कलरफुल है,
60,000 साल का देख रहे हो, मस्त लग रहा है यार देखने में भाई। बिना भाई खाए पिए आ गया। देखो दुकान में आलू नहीं है ना, आलू आया उसको ढालना है पहले। देखो कि आलू तो लग गया भाई, आलू एक नंबर है यार एकदम। 2 रुपया महंगा भी तो है, चलते हैं भाई फटाफट। अरे यार भूख लग रहा है भाई, खा पी के तो कब का आ गया हूँ, दुकान पे ही बैठा हूँ। टाइम देख लो कितना हो गया भाई। अरे यार टाइम बताओ, 4:18 हो गया भाई। बहन को 4 बजे ट्यूशन जाना है। बताओ पापा का नौटंकी देख रहे हो ना क्या यार, अब मैं कहीं जा भी नहीं पाऊँगा, अंधेरा हो गया अभी। बाकी दुकानदारी ठीक है, मस्त है भाई एकदम। आलू बढ़िया रहता है ना तो दुकानदारी भी एक नंबर होता है। आलू अगर ख़राब रहे ना तो फिर दुकानदारी मार खा जाता है भाई। अब वेट करते हैं पापा जब तक नहीं आते भाई। तो भाई घर पे तो आ गया, इतना दर्द है ना यार सिर में, इसलिए तेल रखवा रहा हूँ भाई। मतलब मैं परेशान हो जा रहा हूँ यार इसके दर्द की वजह से, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा और सोने पे नींद भी नहीं लगता भाई, इतना दर्द हो रहा है सिर में, पूछो मत। अभी मैंने काम भी नहीं निपटाया है, उसका अलग टेंशन है। खैर टेंशन नहीं है भाई, वो सब हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है भाई। आगे मैं अभी ब्लॉगिंग नहीं करूँगा यार, आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ सोने। आप टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है, कम से कम 7-8 बजे तक सोऊंगा भाई, फिर जाके दुकान पे जाऊंगा। तो इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। आई होप जल्दी मैं रिकवर हो जाऊँ, फिर मज़ा आएगा यार। सिर दर्द की वजह से भाई मैं कहीं पे शूट करने भी नहीं जा पा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मतलब मैं अपने में ही परेशान रह रहा हूँ, दुकान में भी मन नहीं लग रहा, ऐसा सीन है भाई। चलो मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग में। ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, गुड नाइट नहीं बोलूँगा, अभी तो शाम हो रहा है भाई।